एंड वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम लोग रैंकिंग प्लस वेरिएबल का एक पजल को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पजल है ये आपके SBI PO प्री, बेसिकली मैं इसको PO के लिए ही बोलूँगी। ऐसे जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये आपके PO में ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन को चेक करिए। एंड ये जो क्वेश्चन पूछा है ये हरप्रीत ने मेल करके पूछा है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हिंदी में है, मैंने दोनों लैंग्वेजेस में रखा है ताकि आप जो भी प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसके बाद आप पहले खुद से अटेम्प्ट करिए। मैं ये नहीं बोलूँगी, आप पहले सॉल्यूशन देखिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सॉल्यूशन देखिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से अटेम्प्ट करिए। उसके बाद अगर आपसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप पूरे सॉल्यूशन को देखिए। अगर हो भी जाता है तब भी आप सॉल्यूशन को देखिए ताकि आप ये देख सकें कि आपने जो अप्रोच लगाई है और मैंने जो अप्रोच लगाई है उसमें से कौन सी अप्रोच जो है वो अच्छी है या फिर किस में कम टाइम लग रहा है आपको। ओके, क्योंकि कई लोगों को मेरी अप्रोच में टाइम जो है वो कम लगेगा और कई लोगों को अपनी अप्रोच में टाइम जो है वो कम लगेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको किस पैटर्न को फॉलो करना है। आप उसी पैटर्न को फॉलो करिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, तो चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में गिवन है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपके 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम स्कोर करा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा जो गेम है वो इसकी लैंग्वेज में है। और यही जो प्रॉब्लम होती है ये आपके SBI PO में भी देखी जाती है कि उसमें जो लैंग्वेज होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, राइट? मतलब लैंग्वेज को घुमाने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपके 7 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैक्सिमम स्कोर करा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, यानी कि मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी। ओके, ईच हैड डिफरेंट टोटल स्कोर, सम ऑफ स्कोर्स ऑल सब्जेक्ट्स। ओके ओके, सो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन है उन्होंने पहली बात तो जो उनका टोटल स्कोर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने स्कोर करा है, राइट? एंड डिफरेंट स्कोर करने के बाद उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्कोर जो है वो मैक्सिमम अलग अलग सब्जेक्ट्स में किया है। मैं इसको एक बार नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन है ABCDE, ओके, इनके जो सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब सारे जो सब्जेक्ट होंगे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स, ओके, तो इसमें एक तो टोटल इन्हें इसमें मिला है, राइट? तो एक टोटल जो मिला है इन्हें इन सब्जेक्ट्स का मिला है, जिन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी क्या बनेगी, रैंक बनेगी, राइट? इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी क्या बनेगी, रैंक बनेगी। तो उसके बाद रैंक बनने के बाद जब इनकी रैंक बनेगी तो रैंक बनने में जो इनके एक एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें इन्होंने मैक्सिमम स्कोर करा है, यानी कि मैथ्स में किसी एक पर्सन ने मैक्सिमम स्कोर करा है, डी ने किसी, मतलब हिंदी में मैक्सिमम स्कोर करा है, बी ने किसी अदर सब्जेक्ट में करा है, ए ने किसी अदर सब्जेक्ट में करा है, तो वो सब्जेक्ट्स जिनमें इन्होंने मैक्सिमम स्कोर करा है वो भी हमें इनके यहाँ पे बताने हैं। तो एक तो हमें इन क्या बताना है, यहाँ पे इनकी रैंक बतानी है कि टोटल स्कोर किसने हाईएस्ट करा है, किसने लोएस्ट करा है, एंड हमें उसके बाद ये भी बताना है कि किस पर्सन ने किस सब्जेक्ट में कितना मैक्सिमम स्कोर कौन से सब्जेक्ट में करा है, राइट? किस पर्सन ने मैक्सिमम स्कोर कौन से सब्जेक्ट में करा है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इनकी रैंक को फिक्स कर देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ओके, गिवन है द वन हु स्कोर द हाईएस्ट इन ज्योग्राफी हैड अ टोटल स्कोर लेस देन बी। ओके, कहने का मतलब है कि वो पर्सन जिसने ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा स्कोर करा है उस पर्सन का जो टोटल स्कोर है वो किससे नीचे है, बी से नीचे है। अब टोटल स्कोर बी से नीचे है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो रैंक है वो कैसे होगी, बी से ऑब्वियसली नीचे होगी। अब कितनी नीचे है इसके बारे में हमें नहीं पता है, बट नीचे होगी तो हम एक नीचे का यहाँ पे साइन लगा देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गिवन है ओनली 2 पर्सन हैड अ टोटल स्कोर लेस देन ई बट मोर देन द वन हु स्कोर्ड मैक्सिमम इन इंग्लिश। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने ई से मिनिमम, यानी कि सॉरी ई से कम स्कोर करा है, लेकिन इंग्लिश से कैसे करा है, यहाँ पे इन्होंने स्कोर ज़्यादा करा है, राइट? अब आप ये मत समझिएगा कि जो ई है वो आपका रैंक 5th पर आएगा तो इसके नीचे हमें 2 को देना है, नहीं।
इन्होंने जो आगे की लाइन दी है, बट मोर देन द वन हु स्कोर्ड मैक्सिमम इन इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने ई से कम स्कोर करा है और इंग्लिश से ज्यादा स्कोर करा है. इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि ई और इंग्लिश के बीच में दो पर्सन आएंगे और इंग्लिश जो है वो ई से कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, राइट. तो यानी कि ई से दो पर्सन नीचे की तरफ आएंगे जिन्होंने इनसे कम स्कोर करा है और उन्हीं दो पर्सन ने क्या करा है, इंग्लिश में, सॉरी, इंग्लिश वाले से ज्यादा स्कोर करा है. तो हम राइट का साइन लगा देंगे, ई जो है वो ऊपर आएगा, दो का हम गैप देंगे और इंग्लिश आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. आगे बढ़ते हैं. D scored the maximum in physics, had a total score more than F. Okay, D का जो स्कोर है वो फिजिक्स में ज्यादा है एंड टोटल स्कोर जो है वो F से ज्यादा है, यानी कि F जो है वो रैंक में कैसा होगा, इससे नीचे की तरफ होगा. नंबर ऑफ पर्सन हु हैड अ टोटल लेस देन B वॉज थ्राइस एज दैट द नंबर ऑफ पर्सन हु हैड अ टोटल स्कोर मोर देन C. ओके, C डिड नॉट स्कोर द हाइएस्ट टोटल. कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ पर्सन है, जितने नंबर हैं, हैड अ टोटल लेस देन बी, मतलब बी से जितने भी नंबर लेस है वो थ्राइस, मतलब तिगने हैं, किसके, जितने, जिन लोगों ने सी से ज्यादा स्कोर करा है. मतलब जितने पर्सन सी से ज्यादा स्कोर करेंगे उनके तिगुने, यानी कि आप तीन बार मल्टीपल कर देंगे तो उतने ही पर्सन जो है वो बी से कैसे होंगे, लेस देन होंगे या फिर बी से नीचे की तरफ आएंगे. अगर हम इसे थोड़ा सा फ्लोर बेस्ड अगर हम इसका कॉन्सेप्ट ले लें तो क्या समझ आएगा कि सी के ऊपर जितने पर्सन आएंगे उससे हम तीन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने ही पर्सन बी के नीचे आएंगे. तो हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं. देखेंगे यहाँ पे गिवन है कि सी जो है उसको हाईएस्ट नहीं मिलेगा, तो हाईएस्ट नहीं मिलेगा मतलब नंबर वन रैंकिंग नहीं मिलेगी, तो सी जो है वो टू पर आ सकता है. अब सी अगर टू पर आ सकता है तो ऊपर इसके कितने पर्सन आ रहे हैं, एक पर्सन आ रहे हैं, तो तीन की मल्टीप्लाई आप एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री वन जा थ्री, यानी कि बी के नीचे कितने पर्सन होने चाहिए, तीन होने चाहिए, तो वन टू एंड थ्री बी यहाँ पर आ जाएगा. ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सी जो है वो यहाँ पर आए एंड इसके ऊपर कितने पर्सन है, वन एंड टू, थ्री की मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका सिक्स, यानी कि बी के नीचे कितने पर्सन आएंगे, सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, यानी कि बी यहाँ पर आ जाएगा. अब बी जो है वो सबसे ऊपर आ गया है, इसका मतलब सी जो है वो उसके नीचे तो आएगा नहीं, बिकॉज अगर मैं सी को फोर पे डाल देती हूँ एंड इसके ऊपर अगर तीन पर्सन आते हैं और तीन पर्सन की अगर हम मल्टीप्लाई तीन से करते हैं तो नौ आएगा और बी के नीचे हम नौ पर्सन को नहीं दे सकते हैं बिकॉज इतना हमारे रैंक जो है वो गिवन नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी. आगे देखते हैं. गिवन है द वन हु स्कोर द मैक्सिमम इन इंग्लिश हैड अ टोटल स्कोर मोर देन द वन हु स्कोर द मैक्सिमम इन हिस्ट्री. कहने का मतलब है कि वो पर्सन जिसने मैक्सिमम स्कोर करा है इंग्लिश में वो उससे अधिक है, मतलब उसका टोटल स्कोर जो है वो उससे अधिक है जिसने हिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर करा है. यानी कि इंग्लिश के नीचे क्या आएगा, यहाँ पे हिस्ट्री आएगा. ओके, क्योंकि अब हिस्ट्री से अधिक स्कोर करा है इंग्लिश वाले ने, यानी कि जो इंग्लिश की रैंक है वो हिस्ट्री से कैसे होगी, यहाँ पे अच्छी होगी. ओके, देन आगे गिवन है द वन हु स्कोर द मैक्सिमम इन हिंदी आर टोटल स्कोर लेस देन ओनली वन पर्सन. ओके, सो कह रहे हैं कि वो पर्सन जिन्होंने मैक्सिमम स्कोर करा है हिंदी में उसका टोटल स्कोर जो है वो खाली एक ही पर्सन से कम है. अब एक ही पर्सन से कम है यानी कि इसकी जो रैंक है वो कितनी होगी, सेकंड होगी. ओके, क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगा, एक ही पर्सन आएगा, इसका टोटल स्कोर जो है वो सिर्फ एक पर्सन से कम है, यानी कि जो हिंदी है वो कौन से नंबर पर आएगा, आपका सेकेंड नंबर पर आएगा या फिर उसको रैंक मिलेगी सेकेंड. ओके, Only two person scored a total less than A but more than F. Again, आपका जो point है वो किस वाले point से related है, इस वाले point से related है, right? इसमें के दो points दिए हैं ताकि confusion जो है वो बहुत ही अच्छे से create हो. Okay, so given है कि सिर्फ जो दो person है वो ऐसे हैं जो कि A से कम score प्राप्त कर रहे हैं लेकिन F से ज्यादा कर रहे हैं, तो बेसिकली अगेन हमारा इसका मतलब यही होगा कि वो दो पर्सन जो A से कम और F से ज्यादा है वो A और F के बीच में आएंगे. A ऊपर की तरफ आएगा और F कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा. तो राइट का यहाँ पे टिक लगा देंगे. देन A did not score the maximum in geography and B did not score the maximum in mathematics. ओके, A जो है उसको ज्योग्राफी में मैक्सिमम नहीं मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हैं ए को ज्योग्राफी नहीं मिलेगी. बी को क्या नहीं मिलेगा, मैक्सिमम इन मैथ, यानी कि बी को मैथ्स नहीं मिलेगा. जी वॉज नॉट द वन हु हैड द लीस्ट टोटल, तो जी जो है वो
वो पर्सन नहीं है जिसको लीस्ट नंबर मिले हैं, यानी कि सेवेंथ रैंक जो है वो किसकी नहीं आएगी, यहाँ पे जी की नहीं आएगी। तो बेसिकली हमारा पजल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अपनी हिंट्स पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट मी चेंज। ओके, अब देखते हैं हमें कौन से पॉइंट को यहाँ पे पिक करना है। तो पहले कौन से पॉइंट को पिक करोगे, तो रिलेटेड पॉइंट्स को देखो यहाँ पे। तो एक रिलेटेड पॉइंट तो गिवन है कि बी के नीचे ज्योग्राफी आएगा। बी के नीचे ज्योग्राफी आएगा तो हमें ये तो पता नहीं है कि ज्योग्राफी अगर बी के नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा। ओके, सो यहाँ तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती है, और इतनी पॉसिबिलिटी हम कैसे बनाएंगे। स्किप करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे अब ये दोनों पॉइंट्स को आप देखोगे तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे गिवन हैं कि इसमें इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स कर दी गई है, कि जो ई है दो का गैप देंगे तो इंग्लिश आएगा, या फिर ए जो है उसमें दो का गैप देंगे तो क्या आएगा, आपका एफ आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को यहाँ पे हम पिक करके देखते हैं। तो अगर जो ए है मैं उसको नंबर वन पे रखती हूँ, तो वन एंड टू का गैप देके यहाँ पर एफ को आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या फिक्स है, फोर पे हमारा बी फिक्स है, मतलब ए जो है वो वन पे नहीं आएगा। ए जो है अगर मैं थ्री पर देती हूँ तो हम दो का गैप देके यहाँ पे एफ दे सकते हैं। ओके, अगेन अगर मैं ए फाइव पे देती हूँ तो हम दो का गैप देके एफ नहीं दे सकते हैं, बिकॉज सेवन के नीचे यहाँ पे हमारी रैंक गिवन नहीं है। डायग्राम टू पर आ जाते हैं। ये डायग्राम वन था, ये टू है। तो टू डायग्राम में हम लोग सेकेंड डायग्राम में ए अगर मैं सेकेंड नंबर पे देती हूँ तो वन एंड टू का गैप करके हम एफ को फाइव नंबर पे दे सकते हैं, एंड अगर मैं ए फोर पे देती हूँ तो वन एंड टू का गैप करके हम एफ को सेवन नंबर पे दे सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, हम दोनों ही कंडीशन को यहाँ पे बना लेंगे, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है कि इन पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आप जो पॉइंट्स को कनेक्ट करके ऐसे पजल्स को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक आप पॉसिबिलिटी नहीं बनाते हैं। तो इनको हटा देते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं। तो ई दो का गैप देंगे तो इंग्लिश आना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे ई सबसे ऊपर पे लिखती हूँ तो वन एंड टू का गैप देंगे तो इंग्लिश जो है वो बी को मिल सकता है। बट और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, तो अगर मैं ई जो है वो फाइव को देती हूँ तो दो का गैप देके मैं इंग्लिश को नहीं दे सकती हूँ, एंड सेवन पे तो इंग्लिश आ ही नहीं सकता, सॉरी सेवन पे तो ई आ ही नहीं सकता, मतलब ई जो है वो नंबर वन पर आएगा फर्स्ट डायग्राम में। दो का गैप देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका इंग्लिश आ जाएगा। सेकेंड डायग्राम पर आएंगे तो ई अगर हम यहाँ देते हैं तो वन एंड टू का गैप देके इंग्लिश कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। थर्ड डायग्राम पे देखते हैं, तो अगर मैं ई फाइव या सिक्स पे देती हूँ तो आप दो का गैप करके नीचे की तरफ नहीं दे सकते हैं, यानी कि आप सेकेंड नंबर पे ई को देंगे एंड दो का गैप करेंगे तो इंग्लिश कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये भी गिवन था कि इंग्लिश के नीचे क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा। तो अब हिस्ट्री आएगा तो इंग्लिश के नीचे जो हिस्ट्री है वो हम फाइव सिक्स एंड सेवन पे दे सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में। सेकंड डायग्राम में हम नहीं दे सकते हैं बिकॉज इंग्लिश जो है वो नीचे की तरफ है, तो इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। इस वाले डायग्राम में यानी कि जो थर्ड डायग्राम है, इस सेकेंड डायग्राम को हटा देते हैं। तो जो थर्ड डायग्राम है इसमें हम जो हिस्ट्री है वो नंबर सिक्स और नंबर सेवन दोनों जगह दे सकते हैं, तो अभी पॉसिबिलिटी है, स्किप करते हैं। आगे गिवन है कि जो जी है वो नंबर सेवन पे नहीं आएगा, तो जी जो है वो नंबर सेवन पे नहीं आएगा, इसका मतलब नंबर फाइव पे जी आएगा फर्स्ट डायग्राम में, एंड नंबर थर्ड पे जो जी है वो फाइव एंड सिक्स दोनों में आ सकता है, तो अभी स्किप करते हैं। देन गिवन है डी फिजिक्स, मतलब एफ के ऊपर क्या आएगा, डी फिजिक्स आएगा। डी जिसे फिजिक्स मिलेगा वो एफ के ऊपर आएगा, या फिर डी जो फिजिक्स है उसके नीचे एफ आएगा, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो आप फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे तो एफ के ऊपर जो है वो ऐसा स्पेस कहीं भी खाली नहीं है जहाँ पे हम डी और फिजिक्स दोनों को लिख सकें, यानी कि जो ये वाली कंडीशन है ये यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। इस वाले डायग्राम में हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो एफ के ऊपर कौन सा स्पेस खाली है, सिक्स नंबर का, तो डी यहाँ पर आ जाएगा एंड फिजिक्स जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसे कट कर देंगे। देन जी की अब पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, तो जी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। देन बी के नीचे क्या आएगा, बी के नीचे ज्योग्राफी आएगा, तो बी के नीचे ज्योग्राफी जो है वो या तो सी को दिया जाएगा, ए को दिया जाएगा, या फिर एफ को दिया जाएगा। ओके, लेकिन एफ को देने से पहले हमें इस पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंग्लिश के नीचे हिस्ट्री आएगा। अब इंग्लिश के नीचे हिस्ट्री आएगा तो हम हिस्ट्री को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब हमारी जो ज्योग्राफी की पॉसिबिलिटी थी वो एक कम हो गई, अब ज्योग्राफी की जो पॉसिबिलिटी है वो सी एंड ए के लिए बनी है, लेकिन ए के लिए गिवन था कि ए को ज्योग्राफी नहीं दिया जाएगा, मतलब ज्योग्राफी किसे दिया जाएगा, यहाँ पे सी को दिया जाएगा। और ए को क्या दिया जाएगा, या तो मैथ्स या फिर बायोलॉजी। तो मैथ्स तो यहाँ पे जो मैथ्स है उसके बारे में मना करा गया है कि बी को मैथ्स नहीं दिया जाएगा। अब दो ही सब्जेक्ट्स हमारे बचे हैं, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो अगर बी एंड ए इन दोनों में से हम किसी को मैथ्स देते हैं तो हम किसे देंगे, ए को देंगे, बिकॉज बी को तो मैथ्स जो है वो मना है, तो ए को मिल जाएगा मैथ्स एंड बी को क्या मिलेगा, बायोलॉजी। जस्ट अ मिनट, बायोलॉजी ही है ना, मैं एक बार देख लेती हूँ इसे।
यस, बायोलॉजी ही गिवन है. ओके ठीक है, तो बी को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बायोलॉजी मिल जाएगा. तो कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को मेरे लाने यहाँ पे डिस्कस करने का यही मोटिव था कि आप जो अगर ऐसी लैंग्वेजेस आती है, स्पेशली जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो आपके गिवन थे, मैं आपको दिखाती हूँ जो ये वाले पॉइंट गिवन थे, राइट. ए डिड नॉट स्कोर द मैक्सिमम इन ज्योग्राफी एंड सॉरी ये वाला नहीं, ये वाले. ओनली 2% स्कोर अ लेस देन ए बट मोर देन एफ, एंड एक पॉइंट जो था वो ये वाला पॉइंट. ओके तो इन दो पॉइंट्स की वजह से ही मैं इस क्वेश्चन को यहाँ आप तक लेकर आई, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस बने तो आप उसे इजिली सॉल्व कर पाएं. सो अब आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा. इन क्वेश्चन ने मैंने चेंजेस करा है और थोड़ा सा इनको इनकी लैंग्वेजेस को थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करी है. तो मैंने जो दो क्वेश्चंस दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए. मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्कोर बिटवीन द पर्सन हु स्कोर मैक्सिमम इन इंग्लिश एंड द पर्सन हु स्कोर मैक्सिमम इन बायोलॉजी. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इफ वी इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ बी विद सी, बी की सी से कर दें, देन सी विद डी एंड सी अगेन चेंज हिज पोजिशन विद ए, देन आर सॉरी दिस इज नॉट आर दिस इज सी, ओके, देन सी स्कोर मैक्सिमम इन विच सब्जेक्ट. तो सी जो है वो किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कर रहा है, राइट. तो इंटरचेंज करिए इसकी पोजिशन और फिर इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए. जो कल अल्फा न्यूमेरिक की कोडिंग एंड डिकोडिंग की वीडियो थी, उसमें जो आंसर था वो करेक्ट आंसर था नन ऑफ दीज, राइट. तो मैं कोशिश करूंगी अगर मैं कोई लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ, राइट. तो उसका आंसर था नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे आप पजल की प्लेलिस्ट दे सकते हैं, एंड जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर, उसकी आप दोनों वीडियोस को यहाँ भी दे सकते हैं. कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी, तो आपको जहाँ भी प्रीफर हो वहाँ जाके आप उसे देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे.